उज्जैन जिले की भाटपाड़ा पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी के तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व नागदा के गांजा तस्करों से जुड़े होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रदेश भर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में उज्जैन जिले की भाटपचलाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी उन्हेल का रहने वाला है, जिसकी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व नागदा के गांजा तस्करों से तार जुड़े होने की बात सामने आई है। द्वारा जो आज गांजे की कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला सर? ये मामला इस प्रकार है कि थाना भाटपचलाना पर दिनांक 30/10/2024 को उड़ीसा एवं नागदा के गांजा तस्कर पकड़ाए थे, जिनके कब्जे से करीब 37 किलो गांजा और एक कार जब्त हुई थी। उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया था। जो पूछताछ के दौरान आरोपी गणों ने बताया कि उनके द्वारा उन्हेल निवासी समीर मुसलमान को भी गांजा बेचा गया है, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए समीर पिता महबूब खां निवासी उन्हेल को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 5 किलो गांजा कीमती 1 लाख रुपए जब्त किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।